नहमाया की पुस्तक अध्याय आठ। नहमाया की पुस्तक अध्याय आठ। यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना। जब सातवां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एज्रा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एज्रा याजक सातवें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया, और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एज्रा शास्त्री काठ के एक मचान पर, जो इसी काम के लिए बनाया गया था, खड़ा हो गया, और उसकी दहिनी अलंग मत्तित्याह, शेमा, अनायाह, उरियाह, हिल्कियाह और मासियाह और बायलग, पदायाह, मिशायल, मलकियाह, हाशुम, हशपदाना, जकरियाह, मशलाम खड़े हुए। तब एज्रा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एज्रा के महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमेन आमेन कहा, और फिर सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत की। और यीशु, बानी, शेरब्याह, यामिन, अक्कुब, शबत्ते, होदियाह, मासियाह, कलिता, अजरियाह, योजाबाद, हानान, पलायाह, नाम लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में पढ़कर और टीका लगाकर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहमायाह जो अधिपति था, और एज्रा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। फिर उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप कर दिया कि चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। और सब लोग खाने पीने, बैना भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, इस कारण कि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। और दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एज्रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए, और उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा से यह आज्ञा दिलाई थी कि इस्राएली सातवें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर जाकर जलपाई, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है, सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एफ्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, उनकी सब मंडली के लोग झोपड़ियां बनाकर उनमें टीके। नून के पुत्र यीशु के दिनों से लेकर उस दिन तक इसराइलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से पिछले दिन तक एज्रा ने प्रतिदिन पर
परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर सुनाया। यो वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई।